हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज दोस्तों व्लॉग की शुरुआत हो रही है संडे के दिन। आज है संडे और संडे के दिन अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है, 3 बजने को लाइक 5 मिनट है। आप मेरे पीछे घड़ी देख सकते हैं। सो आज व्लॉग की शुरुआत थोड़ी अलग आपको दिख रही होगी। आपको दिख रहा है कि एक तो व्लॉग ये घर पर बैठे बैठे अकेले कर रही है, क्या बात है ऐसी। सो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आज हम आपको घर के अंदर ही व्लॉग करने वाले हैं। और आज बहुत ही स्पेशल कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग करके आप सबको भी बताया जाए। सो दोस्तों आज आ रहे हैं हमारे घर में स्पेशल गेस्ट। सो गेस्ट होने वाले हैं बहुत ही स्पेशल, तो आप लोग गेस कर सकते हो। मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, और जैसे वो लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी। तो ये गेस्ट उत्तराखंड के नहीं हैं, देहरादून के नहीं हैं, और दिल्ली के नहीं हैं, और ना आसपास कहीं के। ये आ रहे हैं कहीं दूर से स्पेशली हमसे मिलने के लिए। सो आप बने रहिए ब्लॉग में, और आगे देखना कि वो मैं किन की बात कर रही थी। सो दोस्तों आज जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो सुबह से मैं काफ़ी बिजी थी, बिकॉज आज मेरा पप्पा टूट गया है। पट मतलब मेरी जो हेल्प थी, मेरी हेल्प है सुबह जो मॉर्निंग में आती है झाड़ू पोछा एंड बर्तन वाली, वो उससे छुट्टी कर ली। ओके, तो मेरा पोपट हो गया, बिकॉज आज ही सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और आज ही वो छुट्टी पे चली गई। तो दोस्तों सुबह से मैं उन्हीं कामों में बहुत बिजी थी, तो सारा घर ठीक करने के बाद आपको पता ही है, और मैं थोड़ी मेरा नेचर है, मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मैं सुबह से बिल्कुल बेचैनों की तरह काम कर रही हूँ। और अभी अभी थोड़ी बहुत मुझे फुर्सत मिली है, उसमें भी मैं व्लॉग बनाने की सोची, तो मैंने सोचा चलो अभी क्या आराम करना, अभी व्लॉग ही बना लेते हैं। तो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, वैसे 3:30-4 बजे तक आ जाएंगे। हाँ, और आप देख सकते हैं मैं मुझे पसीना पसीना हो गया है, और देखिए फैन भी चल रहा है, बट स्टिल मैं बहुत पसीना पसीना हूँ, बिकॉज हमारे हॉल में एसी नहीं है। तो हमारे हॉल में एसी नहीं है, बेडरूम्स में है बट हॉल में नहीं है, और मैं इस वक्त हॉल में ही से व्लॉग बना रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि राजा साहब, और बड़े राजा साहब और छोटे राजा साहब क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी मेरे व्लॉग में नहीं है। ठीक है, चलो दिखाती हूँ आपको। चलो, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे राजा साहब और बड़े राजा साहब क्या करते हैं। चलो बड़े राजा साहब के रूम पे चल के देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे वो तो रूम पे ही नहीं है। ओके, लगता है बड़े राजा साहब सो के उठ चुके हैं और वॉशरूम में हैं। तो आपका भी दिखाते हैं छोटे राजा साहब क्या कर रहे हैं। लगता है बड़े राजा साहब को मेरी व्लॉगिंग ने उठा दिया है। सो आप लोगों को बड़े राजा साहब के दर्शन तो हो नहीं पाए हैं, उनसे हम आपको थोड़ी देर में मिलाएंगे। और आपने जैसा देखा मेरे छोटे राजकुमार सो रहे हैं कंबल ओढ़ के, बिकॉज वहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है, मैंने इसी से काफ़ी ठंडा किया हुआ है। और यहाँ मैं पसीना पसीना होके आप लोगों के साथ व्लॉग कर रही हूँ। सो आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, कि मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं इन दोनों को उठा लूँ और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारूँ। चैन के दो पल मिले, लेट मी एंजॉय। सो दोस्तों आज जैसे ही वो आने वाले हैं, तो मैं डिनर भी खुद ही करने वाली हूँ,
खुद ही बनाने वाली हूँ सब कुछ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि यू नो वो बेचारे काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं तो बाहर का ही खाना खा रहे होंगे एंड दे आर स्टेइंग इन होटल, तो वहाँ का खाना खा के, तो मैंने सोचा आज घर का खाना स्पेशल बनाया जाए. तो आज उनके लिए मैं घर पे स्पेशल बना रही हूँ एंड दे आर यू नो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियंस, तो मेरे लिए वेजिटेरियन डिशेज सोचना सिर दर्द का काम है कि क्या बनना हो. ओके, पनीर, पनीर वेजिटेरियन मीन्स पनीर. सो पनीर सबसे पहले माइंड में आता है, और मुझे पता चला है कि मेरे जो गेस्ट आने वाले हैं वो पनीर नहीं खा रहे हैं आजकल, तो मेरे पास सोचा क्या ऑप्शन बचे होंगे. सो हाउ कैन आई बी इनोवेटिव टुडे, सो लेट्स सी मैं क्या बनाने वाली हूँ. तो उसकी भी मैंने काफ़ी तैयारियाँ अभी नहीं करी है, तो थैंकफुली थैंकफुली मेरी एक मेट ने मुझे धोखा दिया है जो मॉर्निंग वाली थी, बट जो दूसरी मेट है वो आ गई है. क्या बात है, उनका नाम लिया और वो आ गई है. आओ, तुम्हारी ही बातें मैं बता रही थी अपने फैंस को कि मेरी दूसरी हेल्प आज आ रही है, बट पहली वाली ने धोखा दे दिया है. हाय, हाउ आर यू? वो तो मैं तो ठीक हूँ, व्लॉगिंग में बता. अच्छा, व्लॉग बना रहे हो? यस, मैं व्लॉग बना रही हूँ. चलो ठीक है, मैं आपको आगे अपडेट देती हूँ, इनसे मैं जरा बात करती हूँ. अच्छा, तो मैं सोनल से यही बोल रही थी, सोनल आज तुम इतना चमक धमक के कैसे आई हो? तो सोनल को पता था आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले, इसीलिए आज मैं इतना बन ठन के बिल्कुल चमक के आ रखी है. चलो गुड गुड सोनल, कम से कम मैं नहीं तो मतलब तुम, मैं तो एक्साइटेड हूँ, तुम भी एक्साइटेड लग रही हो, बाकी दोनों ना सो रहे हैं. उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं है. हाँ, यहाँ यहाँ आरुष सो रहा है, वहाँ उसके पापा सो रहे हैं. वो अभी आएंगे, 3:30 बजे तक आएंगे. तो अभी हम, चलो ठीक है, अभी हम काम पे शुरू हो जाते हैं. आज हमें क्या क्या काम करना है बताती हूँ मैं आप लोगों को. तो सोनल हमें आज बनाने के लिए हमारे मेन्यू में है, मैं उन्होंने सोचा छोले बनेंगे बिकॉज हमारे गेस्ट पनीर नहीं खाते हैं, इसलिए पनीर कैंसिल हो चुका है. तो छोले खाएंगे तो मैं छोले बनाऊंगी. एक मैंने सोचा है मिक्स वेज बनाऊँ, उसमें गोभी, मटर, बीन्स, गाजर मैं सब लेके आई हूँ. एक आलू भी डाल देंगे, वो हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज. और तीसरा हम बनाने वाले हैं भिंडी फ्राई. बहुत ज़्यादा लग रहा है, आई नो खाना उसने एक ही रोटी है, बट स्टिल बिकॉज करना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सब करना. एंड बाकी बनाऊंगी सब कुछ मैं, तुम्हें सिर्फ हेल्प करनी है मुझे चॉपिंग कटिंग में, ठीक है? तो जो जो मैं तुम्हें बताती रहूँगी तुम करते रहना, मैं छौका मारती रहूँगी, हो जाएगा. और बाकी सबकी तैयारियाँ मैंने की हुई है. चलो अब हम शुरुआत करते हैं अपने खाना बनाने की, और हम मिलेंगे आप लोगों को जब हमारा खाना थोड़ा बहुत बन जाएगा और हमारे गेस्ट आ जाएंगे, ठीक है? तो चलो तब तक के लिए बाय बाय. हाँ चलो, इस मिक्स वेज को हम काटेंगे. गोभी डालने वाले हैं हम, मटर डालने वाले हैं हम, बीन्स डालने वाले हैं, आलू डालने वाले हैं, गाजर हमारे पास, लौकी, बैंगन सब है, बट मैं नहीं डालने वाली वो सब, राइट? वो आपको पसंद है. नहीं नहीं, पहले आप सब्जियां धुलो सारी की सारी. मिक्स करके धुल लेती दीदी, पता है मिट्टी विट्टी अच्छी तरह हो जाती है. अच्छा. और काट के धुलते हैं ना तो वो अच्छी तरह रहता है. दो पानी साफ धुल लेते हैं तो बढ़िया. चलो ठीक है, आप जैसा सर. मैं फ्राई करने वाली हूँ इसलिए बोल रही थी, फर्स्ट पहले मैं फ्राई करूंगी. और छन्नी में ऐसे ऐसे कर देंगे सारा पानी निचड़ जाएगा, फिर आप ठीक है. चलो चलो, गोभी पूरी काट देना और मटर को अलग रखना. मटर को मैं उबालूंगी थोड़ा सा क्योंकि वो पकेंगे नहीं बनना, ठीक है? चलो चलो, अब मुझे लगता है बड़े राजा साहब भी उठ चुके हैं शायद, मैं सबको बुलाती हूँ. ये देखो बड़े राजा साहब सो के उठ चुके हैं. हेलो हेलो, आपने लगता है टी शर्ट चेंज करी है. आपको भी पता चल गया क्या गेस्ट आने वाले हैं? मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, कोई बात नहीं, अगर मैं उजाला करती हूँ तो भी आप ज्यादा नहीं चमकोगे. चलो भाई चलो, लाइट, राजा साहब को थोड़ी लाइट की जरूरत थी. आज आपका नाम है राजा साहब, ओके? हाँ, तो आर यू एक्साइटेड? गेस्ट आने वाले हैं, आपको देख के तो लग नहीं रहा, मुझे लग रहा आपकी नींद खराब हो गई. तो आप यहाँ के सोया रुक रहे, वहाँ चले जाओ ना, यहाँ ठंड, यहाँ गर्म हो रहा है. यहाँ दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मेरा सोने के बर्तन तैयार है. सोने के बर्तन, स्पेशली सोने के बर्तन निकालेंगे. बिल्कुल रियल वाला सोना है, नकली सोना नहीं है ये सब, ठीक है? तो आप लोगों को अब मैं अपना घर का एड्रेस नहीं बताने वाली, अदरवाइज ये मेरी सोने की थालियां चोरी हो जाएंगी. चलो देखते हैं, मेरे किचन की हालत खराब है. इट्स नॉट अ मॉडर्न किचन, बहुत ही बेसिक किचन है. चलो ठीक है. सो दोस्तों, अपडेट ये है कि हमारा खाना बन चुका है. जैसे कि आप जानते हैं मुझे, जो लोग जानते हैं, तो 4:30 बज रहे हैं, मेरा खाना बन चुका है, बट गेस्ट अभी तक नहीं आए.
क्योंकि हर कोई मेरी तरह पंक्चुअल नहीं होता, तो फिर अभी वो रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाले हैं कहने के लिए तो, और आप देख सकते हैं कौन जग चुके हैं, ये दोनों के दोनों जग चुके हैं। आरुष छुपा क्यों दिया बेटा मुंह? अरे मैं तो दिख ही रही हूँ ना, और किसे दिखाना। ये दोनों उठ चुके हैं और हमारा ये लोग गेम खेलने के इसमें मूड में है। तुम लोग गेम खेलने लग गए क्या? अब गेस्ट नहीं आ रहे हैं तो तुम लोग गेम ही खेल लो ना। और हम खाने के अपडेट मैं अगर आपको दूंगी तो बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। फाइव टच दोबारा हो रहा है, यहाँ बन चुके हैं मेरे छोले और यहाँ बन चुके हैं, बन रही है मेरी मिक्स वेज। पता नहीं क्या तबाही मचाई है मैंने आज, वो तो खा के ही पता चलेगा, बाकी अभी आपको अपडेट देंगे बाद में। अरे फोन खराब हो गया, दिन नमस्ते। जी नमस्ते, रॉली अपनी शक्ल दिखा लो। हाय आरुष, यहाँ पे रोटी खा रहा है और मैं ये रोटी लेके जा रही हूँ। कैसा हो रहा खाना बताओ मुझे। बाय बाय सैंडी, बाय रॉली, हम भी चल रहे, फिर मिलेंगे। बाय निशान, मेरे व्यूअर्स के लिए। हाय व्यूअर्स, प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब। ओह माय गॉड। सो दोस्तों, अपडेट ये है कि रॉली और निशान जा चुके हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ ये रॉली और निशान हैं कौन। तो बेसिकली जब मैंने अपना करियर शुरू किया था और मैं फर्स्ट टाइम पुणे गई थी, तो रॉली वॉज माई रूममेट, वेरी फर्स्ट रूममेट एंड वेरी लास्ट रूममेट ऑल्सो। सो हम लोग पीजी में पेइंग गेस्ट की तरह हम लोगों ने, मतलब वो उस रूम में पहले आ गई थी और मैं उसे मिली थी, और तब से आई गेस 6-7 साल हम साथ में रहे हैं, एक ही कमरे में, दो अलग अलग बेड में, और रूम शेयर करते थे। तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज हम लोगों ने साथ में जी हैं, हम लोगों ने साथ में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे लाइफ के फेजेस देखे हैं, तो उससे मिलकर काफ़ी बहुत अच्छा लगा। और लगभग हम 4.5 साल बाद मिले हैं, तो अभी वो चली गई है और हम आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। वो हमसे मिलने आई, उन सब का बहुत थैंक यू, क्योंकि इतनी दूर वो लोग रहते हैं, लाइक पूना रहते हैं, फिर वो इतना दूर हमसे मिलने आए। तो रॉली थैंक यू फॉर कमिंग। एंड दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना यू नो घर का कुछ दिखाया है आप लोगों को, सो आई डोंट नो ये कैसा व्लॉग है, बिकॉज आज से पहले मैं हमेशा ट्रैवलिंग व्लॉग बनाती हूँ, राइट। सो करते हैं व्लॉग एंड, रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 10, और अब मैं आ चुकी हूँ अपने कंफर्टेबल ड्रेस में, लाइक लोअर एंड टी शर्ट, एंड आरुष ने भी डिनर कर लिया है, बट मैंने डिनर नहीं किया, बट अब मैं करती हूँ डिनर, और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। से बाय टू, से बाय। हमारे घर पर भी खा लो।